देखिए, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के माननीय सदस्य मनोज मछी साहब हमारे साथ कैमरे की नजर में मुखातिब है। आइए आपसे करते हैं बात मंत्रालय के कुछ खास खास बिंदुओं पर जिन पे इनका मंत्रालय काम कर रहा है अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए। आइए बात करते हैं मनोज मछी साहब से। मनोज जी, आज बरेली कैसे आगमन हुआ आपका? कोई खास विजिट थी? नहीं, कोई ऐसी खास विजिट नहीं थी। मेयर साहब से कुछ मुलाकात करनी थी बस। आपके मंत्रालय की तरफ से क्या क्या अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए योजनाएं चल रही हैं, मोटे मोटे तौर से बता पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास। उसके तहत भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बहुत बड़ी योजना लेके आई है। बहुत बड़ी योजना है, एक से एक बड़ी योजना चल रही है अल्पसंख्यकों के लिए। काम कर रही है सरकार, और अल्पसंख्यकों के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। और अल्पसंख्यकों के लिए स्टूडेंट्स के लिए लोन की सुविधा दी है गवर्नमेंट ने। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो शायद लोगों को पता भी नहीं रहती हैं। हम वही काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं अपने प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में, माननीय योगी जी की योजनाओं के बारे में हम अपने लोगों को बता रहे हैं अल्पसंख्यकों को। लगता है आपको कि अल्पसंख्यकों का कल्याण या उनका हित इसी उनके बच्चों की तालीम याफ्ता करने के बाद ही हो पाएगा, इसीलिए शायद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला इस पर जोर दे रहे हैं। कितने बच्चों को आच्छादित कर रहे होंगे करीब, है कुछ आंकड़ा आपके पास डाटा ऐसे कुछ, कितने लाख बच्चे होंगे? कई लाख बच्चे होंगे मेरे ख्याल। कई लाख बच्चे हैं ऐसे तो, खाली प्रदेश में ही 10 लाखों बच्चे हैं। तो इसके जाने इस योजना के तहत करते क्या क्या, वजीफा देते हैं या कुछ और? वजीफा देते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे जैसे बच्चों की योग्यता होती है उसके हिसाब से वजीफा देते हैं। कुछ कोचिंग्स वगैरह भी चलते हैं? कोचिंग भी चलती हैं। अच्छा, आयोग की तरफ से? आयोग की तरफ से, अल्पसंख्यक की तरफ से। अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से। तो बरेली में भी कुछ है? हाँ, बरेली में है, प्रदेश में है। हाँ, बरेली में भी है, बदायूं में भी है, सभी जगह। लखनऊ में आपका ऑफिस जवाहर भवन में? वैसे हमारा मेन ऑफिस इंदिरा भवन में, मेरा ऑफिस जवाहर भवन में। और कुछ कहना चाहेंगे अल्पसंख्यक भाइयों से चुनाव के मद्देनजर? आगामी लोकसभा चुनाव करीब आ गया है, जिसको कोई ऐसा मैसेज दे दिए जिससे अल्पसंख्यकों को लगे कि उनका विकास हो, उनका हित भाजपा में जाता है। अल्पसंख्यक सुरक्षित है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। उन्हें डराया जाता भाजपा का भौकाल दिखा के, खतरनाक चेहरा बता के? सुरक्षित अल्पसंख्यक भाजपा में है, उतना और किसी सरकारों में नहीं है। मतलब और पार्टियां? नहीं, सब बेकार की बातें हैं, सब राजनीतिक बातें हैं। अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए भाजपा से आपकी पार्टी कुछ विशेष प्रयास कर रही है क्या? कुछ प्रकोष्ठ बनाए हैं, योजनाएं? बहुत सारे प्रकोष्ठ बनाए हैं और बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, और पार्टी अल्पसंख्यक जुड़ रहा है, बहुत जुड़ रहा है। खासतौर से क्रिश्चियन बहुत जुड़ रहे हैं। अच्छा, प्रदेश भर में, शाहजहानपुर में, बरेली में, पीलीभीत में, पूरे प्रदेश भर में क्रिश्चियन बहुत जुड़ा है भाजपा से। माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के पर्सन होके काफ़ी लोग जुड़े हैं। सर, कोई एक या दो मैसेज बढ़िया से दे दीजिए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, कि अपील कर दीजिए, क्या कहना चाहेंगे अल्पसंख्यकों से? मैं यही अपील करता हूँ कि भाजपा एक सब धर्म पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है, और इससे अच्छी मेरे ख्याल में अल्पसंख्यकों के लिए कोई और पार्टी हो नहीं सकती। थैंक यू वेरी मच सर।